आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान किस करवट लेटें, यानी कि आज जो प्रेग्नेंट लेडी है वो राइट लेटें या लेफ्ट लेटती हैं। तो बहुत सी मिथ्य बातें हैं जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं, मिथ्य है या सत्य। बहुत से महिलाओं में ये डाउट रहता है, बहुत से वीडियो ऐसे हैं आपके यूट्यूब में जिनमें से बताया गया कि जो प्रेग्नेंट लेडी राइट लेटती हैं तो उनको बेबी बॉय होता है, और अगर लेफ्ट लेटती हैं तो बेबी गर्ल होती है। और अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान में कम नींद आती है तो भी आप बेटे की माँ बनने वाली हैं, अगर आपको ज़्यादा नींद आती तो बेटी की माँ बनने वाली हैं, या आपके चेहरे आप फुर्तीली बहुत हैं तो भी आप बेटी की माँ बनने वाली हैं, आप लेज़ी हैं तो बेटी की माँ बनने वाली। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस चैनल में देने वाले हैं, वीडियो में देने वाले हैं। और आपको जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही खोला है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी पूरी दूंगी। तो मैं हूँ ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या प्रेगनेंसी के दौरान राइट साइड लेटना बेबी बॉय की निशानी है या बेबी गर्ल की। तो प्रेगनेंसी के दौरान राइट साइड लेटना कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिक कोई इसका प्रमाण नहीं है कि आप बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट निकल आता है, बेली पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको जिस साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है आप उसी साइड में लेटती हैं। बहुत सी महिलाएँ, ज़्यादातर महिलाएँ लेफ्ट साइड ही लेटती हैं, जिसे लेफ्ट साइड लेटने से जो गर्भ में पड़ रहा है बच्चा उसका भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन भी अच्छे से जाता है और उसका विकास भी बहुत अच्छे से होता है। बहुत सी कम महिलाएं होती है जो राइट साइड लेती हैं, और बहुत सी महिलाओं को राइट साइड लेटना ही अच्छा लगता है, वो लेफ्ट साइड कम लेती हैं। तो ये उनकी बॉडी में जिस करवट लेटने में आराम रहता है वो महिला उसी करवट लेटती हैं। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि आप एक राइट साइड लेटने से बेबी बॉय की मम्मा बनने वाली हैं या लेफ्ट साइड लेटने से बेबी गर्ल की मम्मा बनने वाली हैं। ये एक मिथ्य बात है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि क्या जो नींद कम आती है तो बेबी बॉय की मम्मा है, या नींद ज़्यादा आने से लड़की मम्मा है। ये एक आपके जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जो आपके जो शरीर में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से नींद में प्रभाव पड़ता है। आपके अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपकी नींद में प्रभाव पड़ेगा और आपको नींद कम आने लगेगी। तो अगर आपको नींद कम आ रही है तो ये ना सोचिएगा कि आप एक बेबी बॉय की मम्मा बनने वाले हैं। ये एक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, आपके शरीर में जो कमियां होती है यानी कि पेन होता है उसकी वजह से भी आपको कम नींद आ सकती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आपको अगर कम नींद आ रही है तो आप बेबी बॉय की मम्मा बनने वाली हैं। और जब आपकी बॉडी में रिलैक्स होता है, आपको सब चीज़ अच्छी होती है और खाना पीना भी अच्छे से हो रहा होता है तो आपको ज़्यादा नींद आती है। जब नींद आती है तो बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को दिन में 2 से 3 घंटे आराम करना चाहिए और रात के 7 से 8 घंटे नींद तो लेनी ही चाहिए। अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो सोचिए आपके साथ बहुत ही अच्छा, आपके बच्चे का विकास भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। थर्ड पॉइंट आता है कि वो महिलाओं के लिए कि जो सोचती हैं कि जो सुस्त रहती हैं और वो काम करने में मन नहीं लगता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं ये एक गर्ल की मम्मा बनने वाली है, जो फुर्तीली होती हैं तो उनको लगता है कि एक बेबी बॉय की मम्मा बनने वाली है। पुराने ज़मानों से जो दादी नानियों के सासू माँ के ये जो बताए गए हुए लक्षण हैं, ऐसा इसका भी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बहुत सी महिलाओं में स्फूर्ति ज़्यादा रहती है, वो काम करने में चटक रहती हैं, क्योंकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप नॉर्मल से देख लीजिए, जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी काम करने की इच्छा नहीं होती है और लगता है कि चुपचाप लेट जाएं, वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अगर आपका शरीर बढ़िया है, आपको वोमिटिंग की जैसी प्रॉब्लम कोई ज़्यादा नहीं है, और किसी किसी प्रेगनेंसी में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सी प्रेगनेंसी में बहुत से लोगों को आलस आता है, काम करने का मन नहीं होता है,
उदास से रहने को, उदास उदास से रहते तो ये ना सोचेगा कि एक आप लड़की की मम्मा बनने वाली हैं, और बहुत सी महिलाओं को स्फूर्ति रहती है काम करने में, चटक रहती हैं, तो वो कि वो एक बॉय की मम्मा है। देखिए एक ये अपवाद है, ये किसी सभी में ये सिम्टम्स सही नहीं होते, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स सही होते, कुछ लोगों में सिम्टम्स ये गलत हो जाते, सब में अलग अलग इसका रीज़न होता है, सबका शरीर अलग होता है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। हाँ हालांकि ये जिन लोगों में ये चीज़ें होती हैं तो वो बोलती ही हैं ऐसा कि मेरे समय में ऐसा होता था तो ये मेरा बॉय हुआ है, ऐसा होता था तो ये गर्ल हुई है, सब में सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से क्लियरफाई हो गया होगा तो आपको और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी किस टॉपिक में जो आप चाहते हैं, मैं उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता।